सर आपका एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद एसएम न्यूज का आपका जो यहाँ पे आए इंटरव्यू लेने। अजेंद्र जी आपने ये कैसे एक मन बनाया कि मैं बीसीडी का चुनाव लड़ूंगा, आप तो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। देखो बीइंग दी फोर्थ जनरेशन लॉयर जो कुछ भी हैं आज हम इस वकालत की वजह से हैं और इस वकालत ने ही बहुत कुछ दिया है हमसे और बहुत कुछ लिया भी है, तो इसलिए जो कुछ हैं इस वकालत की वजह से और भगवान की दया से सब कुछ है, तो मन बना लिया था कि इफ़ दिस प्रोफेशन कैन गिव लॉट ऑफ थिंग्स टू मी तो हम इसको रिटर्न में क्या कर सकते हैं। तो एक लोगों की अपनी अधिवक्ताओं को सक्षम करने की ठानी है मन में, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। और ये जो बार काउंसिल बॉडी है ये गवर्निंग बॉडी है और इसका मेन रोल वेलफेयर का ही है, तो इसमें आने के बाद हम अपनी जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, हम अपनी फ्रेटर्निटी को सक्षम कर सकते हैं, इसलिए मैंने मन बनाया चुनाव लड़ने का। सर सभी कहते हैं कि ये तो चुनाव तो एक भाईजात पने की बात है, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, काबिल वकील कभी ये नहीं सोचेगा कि मैं एक जज बन जाऊं, तो आपने एकदम मन में बनाया कि मैं समाज की सेवा करना चाहता हूं, मैं अधिवक्ताओं की सेवा करना चाहता हूं, तो ये आपने एकदम मन बनाया या आपके जो साथी हैं जो अधिवक्ता हैं उन लोगों के बातों में आप आके और ये चुनाव लड़ रहे हैं? मैंने जैसे अभी बोला कि जो कुछ हैं आज हम इस वकालत की वजह से हैं, कोई हमारे कोई प्रोजेक्ट तो चल नहीं रही, ना हमारी कोई इंडस्ट्री चल रही, ना कोई फैक्ट्री चल रही है, तो पिताजी भी थे, दादाजी भी थे और मैं भी हूँ, सब कुछ इसी से कमाया हमने, तो इसीलिए अब समय बताया मैंने कि दिल में ठाना है कि अपनी कौम को सक्षम करना है, बिकॉज इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, तो अगर हम हर एक अपनी फ्रेटर्निटी हर कौम खुद सक्षम हो जाएं विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट, खुद ही हम एक टीम बना के चलें, तो ये इंडिया को डेवलप करने में आसानी रहेगी। और ये बहुत ही पढ़े लिखो लोगों की जो फ्रेटर्निटी हमारी भी एक मन में ठाना है, वी वांट टू बी एग्जांपल, क्योंकि हमारे जो वकालत है इसमें क्या होता है बहुत अनसर्टेनिटी रहती है, या तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस चलती है चलती नहीं, तो उसको एक स्थिरता लाने के लिए, ताकि कोई बहुत ज़्यादा ऊँचे वकील हैं, कोई कम नॉर्मल वकील हैं, कोई बिल्कुल ही नीचे जिनकी प्रैक्टिस नहीं चलते, तो सब मिलके चलेंगे तो सब सक्षम हो जाए, सबका अपना घर हो, सबका अपना मंथली चलता रहे, तो इस चीज़ को मन में लेके आए हैं और एक कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए मैं काफ़ी भ्रमण भी करा सारे हिंदुस्तान में, बार काउंसिल जम्मू कश्मीर में तो है नहीं, वहाँ तो हाईकोर्ट दिखता है, बहुत अच्छे स्टेट बार काउंसिल डिफरेंट डिफरेंट कर रही हैं। जो मुझे सबसे अच्छा रोल मॉडल लगा वो केरला का लगा, वहाँ यंगस्टर्स के लिए स्टाइपन भी है, पेंशन भी है, हॉस्टल सोसाइटी बहुत कुछ है, और बहुत स्टेट बार काउंसिल कर रही हैं, झारखंड कर रही हैं, तो ये देख के लगा। और दिल्ली बीइंग दी कैपिटल, यहाँ पे हमें तो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, दिल्ली में कोई भी वेलफेयर स्कीम है नहीं, मतलब एक बहुत ही विडम्बना की बात है कि दिल्ली एक रिच स्टेट है, कैपिटल है, और यहाँ एक भी वेलफेयर की स्कीम नहीं है, तो बड़ा दुख होता है, तो इसलिए भी मन में खाना कि कुछ चेंज लेके आएंगे, इसीलिए। और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है चारों तरफ, एक हिस्ट्री क्रिएट हुई थी जिस दिन मैंने नॉमिनेशन भरा था 8 फरवरी को, तो बहुत सारे लोग आए थे, इतना मुझे एक्सपेक्टेड भी नहीं था, लेकिन इतना प्यार मिला, तो इसका रीज़न ये है कि एक तो हमने ये चुनाव कराया, क्योंकि चुनाव 2014 दिसंबर से ड्यू था, तो नए वेरिफिकेशन रूल के कारण ये थोड़ा डिले हुआ, वेरिफिकेशन रूल कुछ नहीं था, वो एक टैक्टिक थी अपना टेन्योर एक्सटेंड करने की सिटिंग मेंबर्स की, तो उसको चैलेंज करा और सुप्रीम कोर्ट ने अब जाके ऑर्डर करा, तो इससे भी बहुत अच्छा हो रहा है। और एक हमने जो चुनाव कराए मुद्दों का चुनाव कर दिया, तो मुद्दे चाहे उसमें यंगस्टर्स की प्लेसमेंट हो, चाहे उसमें हाउसिंग सोसाइटी हो, चाहे उसमें हेल्थ इंश्योरेंस हो सबका, चाहे उसमें लाइफ इंश्योरेंस हो सबका, चाहे उसमें पेंशन स्कीम हो, सारी चीज़ें मुद्दे लेके आ रहे हैं और पूरे ब्लूप्रिंट के साथ आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमें कहीं किसी के हाथ फैलाने पड़ेंगे जी ये तब होगा ये होगा, तो इसलिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं अपने सभी अधिवक्ताओं को कहूँगा कि मेरा बैलेट नंबर 103 है, आप मुझे बेस्ट प्रेफरेंस वोट डालिए, ताकि ये जीत भी एक ऐतिहासिक हो और ताकि हम अपनी कौम को सक्षम कर सकें, जो रॉयलनेस इसकी कहीं गायब हो गई है, गुम हो गई है, उसको हम दोबारा से रिस्टोर कर सकें। सर अभी इस समय पूरे भारतवर्ष के अंदर मांग है कि जो हमारे ओल्ड हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको कम ध्यान दे के जो हमारे युवा हैं, जैसे आप जैसे हैं, आप लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और आप लोगों को चाहते भी हैं कि अजेंद्र सागवान जी जीत कर आए,
देखो ये एक जो हमारी गवर्निंग बॉडी है ना, इसमें खाली एक अकेले से तो काम होता नहीं, यहाँ पे 25 मेंबर इलेक्ट होने हैं, तो उसमें उसमें 25 सीट होती हैं, तो 25 सीट के बाद फिर 25 मेंबर चुनते हैं कौन चेयरमैन बनेगा कौन वाइस चेयरमैन बनेगा, तो इसलिए तो इसमें सारे एज के आएंगे, बुज़ुर्ग भी आएंगे, उनकी गाइडेंस की ज़रूरत है हमें, और हमारे एज के भी आएंगे, हमसे छोटे भी आएंगे, तो इसमें मिलजुला के सारे आएंगे, ऐसा नहीं कि कोई एज का कोई ग्रुप निगेट होगा, सब मिलजुल के हम एक एक कौम है, हम एक सब भाई हैं हम, उसमें कोई एज कोई यंगस्टर हो कोई बुज़ुर्ग हो कोई ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं, सब हर एज का रिप्रेजेंटेशन होगा। सब टोटल वोट दिल्ली के अंदर बीसीडी का कितना है? टोटल वोट एज ऑन डेट अभी 52,000 के करीब है, और वैसे तो वकील ऑन रोल रजिस्टर्ड ज़्यादा हैं, वो 90,000 के करीब हैं, लेकिन जो वोटर हैं वो 52,000 हैं। तो सर आपको कितना वोट पड़ेगा, ये लगभग आपको कैसे ये एक अनुमान लग जाता है कि जब हम नॉमिनेशन करने जाते हैं कि भाई हमें इतना वोट पड़ेगा, हमारे जो साथी हैं अधिवक्ता हैं वो हमारे साथ हैं? देखो जो कट ऑफ चाहिए जीतने के लिए वो लगभग 1200 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट चाहिए, और मुझे लगता है कि इतना प्यार मिल रहा है चारों तरफ कि लगता है इस कोटे को हम आराम से टच कर लेंगे, इसमें कोई कठिनाई होनी, लेकिन हमारा हार्डवर्क जारी है और जारी रहेगा। मैं सभी अपने जो सपोर्टर्स हैं वोटर्स उनको भी कहूँगा कि जैसे चारों तरफ चल रहा है कि हम जीत गए हम जीत रहे हैं हम जीत रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, हमें बिल्कुल ग्राउंड पे काम जैसे कर रहे हैं वैसे करता रहना है, और सबको कहना है कि फर्स्ट प्रेफरेंस की और बेस्ट प्रेफरेंस की वोट डालें, क्योंकि अगर खाली ये जीत गए उसको वोट दे दो, ये क्योंकि ये जो हमारे जो अपोनेंट्स हैं ये भी एक स्ट्रैटेजी चला रहे हैं कि वो तो जीता पड़ा है उसको ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है, हमें ये हमारे लिए एक एक वोट कीमती है, और प्लीज़ मैं अपने सभी भाइयों से कहूँगा ग्राउंडेड होकर हमें काम करना है और सबसे हाथ जोड़ के वोट मांगते रहनी है जब तक हम जीत ना जाए। तो एक आम चुनाव है और एक बीसीडी का चुनाव है, सर दिन पर दिन ये इतने महंगे होते जा रहे हैं कि आम आदमी या आम अधिवक्ता इस चुनाव लड़ने के लिए बहुत सोचना पड़ता है कि हम कैसे चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल बात सही है कि चुनाव बहुत महंगे होंगे, बट आपको जानकारी दे दूं कि कल एक नोटिफिकेशन आया, बहुत अच्छा नोटिफिकेशन आया, मैं उसका स्वागत करता हूँ, जिसमें कहा कि ये टोटल एक्सपेंस ही 1,00,000 रुपये के होंगे, और जिसमें अब हमें ब्यौरा देना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ हमने खर्चे और कैसे कैसे, उसमें जैसे अभी तक बल्क SMS चल रहे थे वो भी बैन कर दिए हैं, और सोशल गैदरिंग बैन हो गई हैं, अब तो ये है कि सबसे हाथ जोड़ के मिल के, और जो हमारे पैम्पलेट्स हैं वो भी बैन हो गए हैं, जो होर्डिंग्स हैं वो भी बैन हो गई हैं, तो वो सारी चीज़ें बैन हो चुकी हैं, तो अब तो बहुत ही लिमिटेड खर्चा होगा, तो इसलिए अब वो चीज़ें जो थी कि भाई इतनी पार्टीज होंगी इतना वो होगा वो चीज़ें सब खत्म हो गई हैं। बड़ा अच्छा नोटिफिकेशन, मैं इसका स्वागत करता हूँ जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने निकाला है, ताकि हर कोई जो वकील जो चुनाव लड़ रहा है जिसके पास इतने ज़्यादा फंड नहीं है ज़्यादा इसकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो वो भी अच्छी तरह घर घर जाके या चैम्बर जाके वोट मांग सकें। तो अजीत नवीन जगह आप ये बीसीडी का चुनाव जीतने के बाद में क्या आपका कभी ये मन बनेगा कि आम चुनाव लड़ना, जैसे विधायक हैं MLA हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं? देखो पहले मेरी शुरुआत है, पहले जो मैंने सोचा है अपनी कौम को सक्षम करना है, और उसके बाद कभी अगर मन बनेगा तो ज़रूर सोचेंगे उसके बारे में, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट टू सेट एग्जाम्पल कि हम अपनी फ्रेटर्निटी को बिल्कुल अव्वल नंबर पे लेके आएँ, जो उसकी रॉयलनेस है, हर वकील सक्षम हो, क्योंकि दिल्ली में ना बहुत ज़्यादा लोग माइग्रेंट्स आते हैं और यहाँ पे घर की बहुत समस्या रहती है, तो बहुत सारे वकील हैं जिनका घर नहीं है, जिनको डे टू डे कहता है इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि वो 200-400 रुपये भी, बीइंग इन दिल्ली बोल रहा हूँ मैं, ये रियलिटी है, सच्चाई की बात है, तो हर एक को सक्षम करना है, ये एक सक्षम हो जाएंगे हम, कामयाब हो जाएंगे इसमें तो हम ज़रूर आगे दूसरी सोसाइटी की तरफ देखेंगे। बाकी फ़िलहाल तो जो मेरी सोच है अपनी जो समाज है हमारी अधिवक्ताओं इनके लिए जो कुछ कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। अजिंदर जी जैसे आप फर्स्ट प्रेफरेंस किस काम के लिए देंगे जो अभी बीसीडी ने वो काम नहीं करा है? देखो फर्स्ट प्रेफरेंस जो सबसे पहले जो आते ही हम जो करेंगे वो है कि जो प्लेसमेंट एजेंसी, जैसे ही कोई लॉयर एनरोल होता है ना उसको पता नहीं होता कि कहाँ क्या करना है, कौन सी फील्ड है कौन सी नहीं, तो एक हम लिस्ट बनाएंगे कि भाई ये ऐसे जिनकी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है कि भैया ये
सिविल केसेस करते हैं, ये क्रिमिनल केसेस करते हैं, कॉर्पोरेट हैं, और उनसे मिल के रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको मिनिमम इतने लोगों को प्लेस करना पड़ेगा, ताकि ये जो नए बच्चे हैं ना, इनकी जो प्लेसमेंट हो जाए एक बारी, क्योंकि बहुत इधर उधर ठोकरे खाते हैं, उनको लोग वो नहीं करते, रखते नहीं हैं, और एक छोटा सा, और ये 5,000 रुपये उनको महीने का हो जाए 3 साल तक, ताकि जो उनका आने जाने का, बहुत छोटा अमाउंट है लेकिन फिर भी उन बच्चों के लिए बड़ा अमाउंट रहेगा ये, और ताकि ये सबसे पहले तो ये करेंगे, ये आते ही सबसे पहले इस पर हमने पूरा ग्राउंड वर्क कर रखा है, इसको आते ही इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो भी मैनिफेस्टो में इसके अलावा भी चीज़ें हैं वो भी सारी पूरी करेंगे हम। और जो हाउसिंग सोसाइटी की बात है, ये आप गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में भी है, तो उससे भी हमें बल मिलेगा, ताकि उनका, उनके एक इलेक्शन मैनिफेस्टो में था, ये उनकी प्रॉमिस थी, उनको जाके इस पर हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं, और एक बार जाके केजरीवाल जी से भी मिलेंगे, जी आपने जो वकीलों से ये वादा करा था तो उसको निभा, ताकि हमें ज़मीन आसानी से अलॉट हो जाए, और फिर हम मिल बांट के अपने पैसों से वहाँ पे घर बना सकें। अजेंद्र जी, अब आप अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहते हैं चुनाव के संबंध में? मैं अधिवक्ताओं से यही कहूँगा, सब भाई भारी तादाद में पहुँचे उस दिन 16-17 को, एज ऑन डेट, अभी तो पोलिंग दोनों दिन ही हाईकोर्ट होनी है, अभी सुप्रीम कोर्ट में एक हमारे जो कैंडिडेट हैं वो उन्होंने रिट डाली है, वो बिकॉज हाई कोर्ट ने कहा सिंस दी शेड्यूल हैज़ बीन पास्ड बाय दी सुप्रीम कोर्ट, तो अब वहीं जाके करो, तो एज ऑन डेट अभी तो हाई कोर्ट में पोलिंग हो रही है, मैक्सिमम नंबर में पहुँचे और अच्छे अच्छे लोगों को इलेक्ट करें, वोट फॉर चेंज दिस टाइम, बिकॉज क्या है कि बहुत हो गया, और नए लोगों को लेके आओ, ताकि नए सोच को लेके आओ, ताकि हम अपनी जो जो हमारी जो स्कीम्स हैं वेलफेयर की, एक भी जो दिल्ली में इम्प्लीमेंट नहीं, इसको कर सकें, और आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बैलेट नंबर 103 को भारी मताओं से जिताओ। धन्यवाद। आप थे अजेंद्र सागवान जी, ने अपील की अधिवक्ताओं से कि बैलेट नंबर 103 है, उस पर अधिक से अधिक अपना मत देकर सफल बनाना है, और ये पहले से एक मालूम हो जाता है, और एक निर्णय पूरा ही एक आ जाता है अजेंद्र जी के चेहरे पे, जो मुस्कुराहट है, जो सुंदरता दिखाई दे रही है, वो लग रहा है कि वो जीत चुके हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, सभी अधिवक्ताओं से रूबरू करने की ज़रूरत है, और इन सब चीज़ों को लेके उनके मन के अंदर बातें हैं, जो उन्होंने एक पूरा शेड्यूल बना रखा है कि जो हमारे अधिवक्ता को नहीं मिला है, चाहे वो हाउसिंग सोसाइटी की बात है या उनके चैम्बर की बात है, जैसे अभी बताया कि जो जो नए नए अधिवक्ता आते हैं वो घूमते हैं और उनको एक सहारे की ज़रूरत है, तो अभी उन्होंने बताया कि उनको पर मंथली कुछ उनको मिलना चाहिए, तो इन सब का एक ग्राफ, एक पूरा शेड्यूल तैयार कर रखा है, और ये काम करने के लिए आ रहे हैं और काम करेंगे। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली से।